शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की आपको, उससे हो सकता है कि इत्तफाक ना हो। कानून का तरीकेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR ले, मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है ये बता रही है कि अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। ये जो आखिरी वो होती है ना फड़फड़ाहट, ये वो नजर आ रही है हमें, और ये इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा किसने साजिश तैयार की। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो उन्होंने फौज के खिलाफ तकारीर की। हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बयानिया बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में झूठे इल्जाम लगाए। इमरान खान के बयान हल्फी का शोर मचाया गया। ये बयान हल्फी नहीं सर्टिफिकेट है, जो बयान हल्फी नहीं होता।